Broken little girl, little girl, sitting by herself, immersed in a book, blissfully unaware that her world was about to be shaken, shaken. Alone, alone she was. Little eyes that were being watched by big ones. Eyes that roved, like a prey, she was assessed, newborn, young, and defenseless. She looked up and smiled. Of what was to come, she knew not, she knew not. बहुत दफे ऐसा देखा गया है कि अगर किसी लड़की के साथ रेप या सेक्सुअल वायलेंस हो जाता है और जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर भी चली जाती है, तो अक्सर ऐसा देखा गया है तो उसको पूरे समाज से आइसोलेट कर देती है। उनकी फैमिली कहती है क्योंकि अब रेप हो चुका है तो वो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि उसका रेप हो चुका है तो वो पढ़ाई नहीं कर सकती। या कभी कभी वे ऑल्सो सीन डेट वो खुद भी अपने को आइसोलेट कर लेती है और कहीं ना कहीं वो उस पूरे हादसे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। और ये मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ हिंदुस्तान में ये समस्या है, मेरे ख्याल से ये कंप्लीट जो हमारा एशिया एशियन जो रीजन है यहाँ पर इसकी कल्चरल एक डॉगमा है, आप कह सकते हैं कि ये कल्चरल प्रॉब्लम है कि हम लोगों में औरत के साथ में हुए किसी भी तरह के सेक्सुअल वायलेंस को यू ऑलवेज कनेक्टेड विद द कैरेक्टर प्राइमरली एंड वी ऑल्सो ट्राई टू पुट द फुल लाइबिलिटी ऑन द सर्वाइवर। She went to him and then to a place where soul breathes its last. Sexual violence hota hai, be it rape or be it exploitation in a sexual way, sabse pehle usko bataya jata hai ki ab tum bilkul bekar ho chuki ho, ya to usko kisi nari niketan mein bheje jane ki baatein hone lagti hai, ya ke baad ye bhi dekha gaya to un ladkiyon ko फर्दर इसी चीज को लेकर के बोल बोल के फर्दर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर लिया जाता है। लास्ट सबके 20-40 वर्षों के इस एक्टिविज्म में हमने ये नोटिस किया है कि लोग बेफालतू डर जाते हैं कि कहीं कोई औरत उनके ऊपर आके बोझ ना बन जाए, या फैमिली भी इसलिए उसको हाथ छुड़ा लेती है क्योंकि लगता है कि अब अगर हमने इस लड़की की हेल्प करी तो ये हमारे पे ही बोझ बनता है। Try to push away, but pray. What could those little palms do when held down by such brute force? किसी के साथ में ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो वो एक एक्सीडेंट है और उसको शी हैज टू मूव ऑन फर्दर एंड शी हैज टू कम आउट ऑफ दैट एंड उसको गिल्ट फील कराने की या उसको सेल्फ गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए और हमें भी उसके साथ में बिल्कुल वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसे एक नॉर्मल वुमन के साथ है। और ये तभी पॉसिबल है जब ये बात खुद वुमेन समझे। हमारा पूरा समाज एक तरह की इनविजिबल मिसोजिनिक सिंड्रोम से सफर करता है जिस मिसोजिनी में बहुत सारी सेल्फ हेटेड औरत को करती है। जैसे अक्सर देखा जाता है कि औरत की कहती है कि औरत के तौर पे जन्म होना ही नहीं चाहिए था। She weeps for her, she knows not what to do. That was a little part of her, untouched, unknown, but now it's gone, it's gone. गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि रेप हो, सेक्सुअल वायलेंस हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, अगर कोई लड़की अपने परिवार से अपनी कम्युनिटी से डिस्प्लेस हो गई है तो सिर्फ 5 साल का सपोर्ट उसे चाहिए होता है और 5 साल बाद तो वो खुद सपोर्ट बन जाती है। और वो 5 साल का अगर कम्युनिटी या परिवार के लोग उस लड़की के साथ खड़े हो जाए तो वो लड़की वापिस समाज को इतना कुछ देती है जितना समाज उसको दिया भी नहीं होता। समाज को उसको कुछ नहीं दिया होता सिवाय फिर, लेकिन अगर ये 5 साल उसके सुरक्षा सम्मान के साथ गुजर जाए जहाँ पे कोई भी व्यक्ति उनको अपने ऊपर बोझ ना बने, तो
तो ये लड़कियां समाज में बहुत अच्छा रूप करती हैं, समाज में बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन बन जाती है और इनका हर कार्य जो होता है वो अन्य महिलाओं के मुकाबले दिल्ली इनकी कैपेसिटी कार्य करने की, कम्युनिटी के साथ में जुड़ करके कार्य करने की बहुत अधिक। पिछले 18-19 साल से जो है सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही हूँ। रेपिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो जो उसका दिमाग है वो उसकी मानसिकता है, साइकोलॉजिकली वो इल है, साइकोलॉजिकली इल है ना, उसको इल ही बोलेंगे ना कि वो बीमार है, वो साइकोलॉजिकली वो बीमार है तभी तो वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। अगर वो बीमार ना हो तो वो बिल्कुल भी इस तरह का काम ना।
भर दिया जाता है दिमाग में कि ये चीज़ें गलत है और गंदी है, तो वो आपकी दिमाग में आपकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई कि वो गलत और गंदा से आप उसको एसोसिएट करते हो, तो गंदा नहीं है कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मानसिकता बदलने की बात है कि मानसिकता बदल दी जाए, गंदा और गलत ना बोला जाए, तो वो बच्चा, मतलब हम हिपोक्रेट वाली बात करते हैं ना, हिपोक्रेसी करते हैं, बच्चा आपसे पूछने आता है आप नहीं बताते हो, क्या फालतू बात लेकर के बैठ जाते हो, अभी इसकी उम्र नहीं है, अपने आप बड़े हो जाओगे, समझ जाओगे, सीख जाओगे, क्या क्या समझ जाएगा, क्या समझ। एंगर है अपने आप के लिए, खुद उसका जो एंगर है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों, वो क्यों, ये जो चीज रहती है ना कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो वो सब चीजें जो है थोड़ा ओवरकम कर पाना और फिर वो बच्ची जो है अपनी थोड़ी लाइफ को जो है नॉर्मल लीड कर सके। ये सब सारी बातें भी अगर घर से बताई जाए, सिर्फ लड़की को ही नहीं लड़के को भी, दोनों बच्चों को, अपने दोनों जेंडर को, लड़की को भी लड़के को भी बताया जाए कि क्या प्रॉपर बिहेवियर है, कि आपके सेक्सुअल बिहेवियर की वजह से किसी और लड़की की या किसी और लड़के की, सिर्फ लड़की के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि हाईलाइट सिर्फ लड़कियों का होता है, लड़कों के साथ भी होता है, घर में मोलेस्टेशन अगर देखो लड़कों के साथ भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो दोनों बच्चों को सिखाया जाए, दोनों को बताया जाए कि गुड टच बैड टच क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। A simple act, just to clothe yourself when your dignity has been stripped off and sold to the market, is a bravado act. We salute the undying spirit and unflinching courage of these women of steel who stood up to life at its worst.